एफएटओ के हिसाब से भी आज का दिन काफी अहम हो जाएगा। एक तो आज वीकली एक्सपायरी है और साथ ही साथ दो क्रिटिकल सपोर्ट एरिया पे भी बाजार आके रुका हुआ है। खासकर बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया है, कल वो दोनों लेवल्स टूट गए थे, 44,244 और तीसरे अहम सपोर्ट 43,800 से हल्का सा पुल बैक मिला। आज भी वही टेस्ट होने के लिए वापस जा रहा है, इसलिए 44,000 और 43,800 के आज बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रीमियम है अब करीब 100 पॉइंट के आसपास का। निफ्टी के अंदर भी 18,450 वाली रेंज है, ये अपने आप में एक सपोर्ट की रेंज है। हालांकि निफ्टी के सपोर्ट अभी थोड़ा नीचे है, मार्केट आज थोड़ा चर्न करेगा, चर्न होकर थोड़ा पॉजिटिव बायसनेस ज्यादा अच्छी दिखा सकता है, क्योंकि शुरुआत में ही उसने एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया है जो कि ग्लोबल मार्केट से थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। देखते हैं कहां पे ताजा खरीदारी बनती हुई दिख रही है। वायदा के अंदर आज इंडस टावर के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है, और लॉरस लैब के अंदर बनी है, आरबीएल बैंक के अंदर बनी है, हिंडालको के अंदर बनी है। ये कुछ एक शेयर्स होंगे जिसपे आप ध्यान दे सकते हैं। आज शॉर्ट कवरिंग कौन कौन से है, शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा वॉल्यूम आपको कम रखना होगा क्योंकि इनमें थोड़ी कवरिंग हो रही होती है, उसमें नौकरी है और अपोलो हॉस्पिटल है। सेकंड डे जब ये शॉर्ट्स को कवर करवा रहा है, यानी कि रिजल्ट्स पे जिन्होंने इसको मंदा किया था, इसको शॉर्ट किया था, वो सिस्टम ने अब बाहर जा रहे हैं, इसी की वजह से शेयर थोड़ा ऊपर है 2-2.5%। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज भी सेकंड डे है जो ये चल रहा है। सीरीज की शुरुआत में ग्रेनेल्स इंडिया पे काफी बज था और ये भी चल रहा है, आज करीब 1% ऊपर है। आज बिकवाली कहाँ पे हो रही है, शुरुआत में सौदे जो नेगेटिव लग रहे हैं वो कोल इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर, कोटेक के अंदर, फ्यूचर कैश के अंदर जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया, क्योंकि आज फ्यूचर्स के अंदर भी राइटिंग हो रही है और यहाँ पे करीब 1-1.5% शेयर नीचे आ चुका है। पीआई इंडस्ट्रीज और आईजीएल और ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे शुरुआत में आज शॉर्ट्स होते दिख रहे हैं। अनवाइंडिंग का प्रेशर थोड़ा ज्यादा मुश्किल भरा होता है। आईटीसी और ग्रासिम पे चेक कीजिएगा, शायद हो सकता है 1-2 दिन के लिए ये शेयर थोड़े ठंडे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अनवाइंडिंग का प्रेशर शुरुआत में देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के मार्केट शायद एक रेंज में रहेगा, सपोर्ट क्रिटिकल है, सपोर्ट बच गए तो एक पुल बैक वापस देखेंगे, सपोर्ट नहीं बचे तो मार्केट हो सकता है थोड़ा और स्लाइड कर जाएगा।